दावा किया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे के दौरान हो गई थी, लेकिन ये तस्वीर देखिए। ब्रिटेन के एक्सपर्ट ने फेस मैपिंग तकनीक के आधार पर दावा किया है कि इस फोटोग्राफ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ सुभाष चंद्र बोस भी नजर आ रहे हैं। नेताजी को मृत घोषित किए जाने के करीब 21 साल बाद ये तस्वीर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में ली गई थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते के लिए गए थे। नेताजी की मौत से जुड़े मामलों में रिसर्च कर रहे ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने चेहरा पहचानने और इसका अनुमान लगाने वाली फेस मैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इस फोटो को खोजा है। इसमें शास्त्री जी के पीछे नेताजी जैसा शख्स भी दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब फोटो में नजर आ रहे शख्स का नेताजी के चेहरे से मिलान किया गया तो वो नेताजी के चेहरे से हूबहू मिलता हुआ नजर आया। नेताजी के पड़पोते चंद्र बोस के मुताबिक लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद दौरे से वापस आने के बाद एक बड़े खुलासे की बात भी कही थी, लेकिन उनकी ताशकंद में ही 1 जनवरी 1966 को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। शास्त्री जी एक्सप्रेस्ड दैट ही हैज मेट समबडी ऑफ इंपॉर्टेंस इन द सोवियत यूनियन इन रशिया एंड ही वुड कम एंड डिस्क्लोज व्हाट ही हैज सीन। हाउ डिड ही एक्सपायर? We need to have answers to all these questions. उधर लाल बहादुर शास्त्री के परिवार वालों का मानना है कि इस दावे की जांच होनी चाहिए कि तस्वीरों में जो शख्स नजर आ रहा है वो नेताजी ही थे। साथ ही शास्त्री जी की मौत की जांच भी कराने की मांग की है। एक मन में डाउट आया है तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है कि इसमें किसके बारे में थोड़ी छानबीन करें। नेताजी के साथ साथ शास्त्री जी की भी मौत के बारे में जो एक रहस्य का की धारणा बनी हुई है वो और उसको बल मिलता है कि केंद्र सरकार को शास्त्री जी से के मौत से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनका खुलासा होना चाहिए, उनको सार्वजनिक करना चाहिए। तस्वीर को सामने लाने वाले ब्रिटेन के एक्सपर्ट दल ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नेताजी के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के लिए दबाव डाले। पीएम मोदी इसी महीने रूस के दौरे पर जाने वाले हैं।